देश के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनका इतिहास साक्षी है कि उन्हें सैनिकों की कोई परवाह नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने एक मामूली रकम 500 करोड़ रुपए दिखाकर वन रैंक वन पेंशन पर झूठ बोला था। 500 करोड़, ये हमारी सरकार है जिसने वन रैंक वन पेंशन लागू किया। पूर्व सैनिकों को 1.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए गए। अब कहां 500 करोड़, कहां 1.25 लाख करोड़, इतना झूठ और देश के जवानों की आंख में धूल झोंकने का पाप। ये वही लोग हैं जिन्होंने आजादी के 7 दशक बाद भी सेना की मांग होने के बावजूद भी देश के वीर सैनिकों के परिवारों की मांग होने के बाद भी हमारे शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। टालते गए, कमिटियां बनाते गए, नक्शे दिखाते गए। ये वही लोग हैं जिन्होंने सीमा पर तैनात हमारे जवानों को पर्याप्त बुलेट प्रूफ जैकेट्स भी नहीं दी थी। और साथियों, ये वही लोग हैं जो करगिल विजय दिवस को भी नजरअंदाज करते रहे। ये तो देश की कोटि कोटि जनता के आशीर्वाद है कि मुझे तीसरी बार सरकार बनाने का मौका मिला और इसलिए आज ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना का हम पुण्य स्मरण कर पा रहे हैं। वरना अगर वही आ जाते तो इस युद्ध विजय की इस तवारीख को याद नहीं करते हैं।